हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन फार्मा लॉजिक। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का वायरस चैप्टर का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस कवर अप कर लिया था, तो आज हम इस पार्ट में कवर अप करेंगे रेप्लिकेशन वायरस एंड कल्टीवेशन ऑफ वायरस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन वायरस। वायरस रेप्लिकेट कैसे करता है, कोई भी वायरस है वो रेप्लिकेट कैसे करता है। रेप्लिकेट करने के लिए वायरस को कुछ वेरियस माइक्रो मोलिक्यूल्स जो की रिक्वायर्ड होती है, और ये सिक्स स्टेजेस में ही रेप्लिकेट करता है। सिक्स स्टेज कौन कौन सी हैं, जैसे कि एडजॉप्शन को हम अटैचमेंट भी कहते हैं, नंबर टू पेंटेशन होता है, नंबर थ्री अनकोटिंग होता है, नंबर फोर वायरोसिंथेसिस होता है, नंबर फाइव वायरस असेंबली होता है, नंबर सिक्स रिलीज होता है। तो अटैचमेंट में आप समझ रख सकते हो कि अटैचमेंट किसी चीज़ को अटैच करना। तो कोई भी सेल है जिसमें वायरस को अंदर घुसना है, तो क्या होगा, पहले वायरस अटैच करेगा। कोई भी सेल है, जैसे क्या होता है इसमें अटैचमेंट में क्या बताया गया, ये फर्स्ट इवेंट होती है कोई भी वायरस की जो कि सेल के साथ अटैच होता है। सेल के साथ क्या होता है कि सेल के जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके पास वायरस पहुँचता है और रिसेप्टर के थ्रू अटैच हो जाता है। फिर क्या होता है, पेनिट्रेशन होता है। पेनिट्रेशन में क्या होता है कि जो वायरस होता है वो सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है, सेल के अंदर घुस जाता है। कैसे घुस जाता है, सेल मेम्ब्रेन होती है उसके एनवलप में उसके न्यूक्लियो कैप्सिड होते हैं, उसको तोड़ के वो सेल के अंदर प्रवेश किया जाता है। फिर क्या होता है कि अनकोटिंग होती है। अनकोटिंग मतलब क्या कह सकते हैं कि जो वायरस होता है जिसको इनवलप्ड वायरस है वो अनकोट होता है बाय एक्शन ऑफ लाइसोमल एंजाइम के थ्रू। लाइसोमल एंजाइम के थ्रू वायरस होता है वो अनकोटेड होता है, मतलब कि अपने आप को फैलाता है वायरस अपने आप को। मतलब कि क्या है कि पेंटेट अंदर घुस गया, अब उसको भाई क्या कुछ फूड्स वगैरह तो चाहिए उसको, क्या कहते हैं जो भी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस उसको नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो भी है वो सब एक रेप्लिकेट एक न्यू वायरस बनाने के लिए सब चाहिए। तो वो अपने आप को अनकोट करता है, मतलब कि अपने आप को फैलाता है सेल के अंदर। फिर क्या होता है, बायोसिंथेसिस को हम वायरल सिंथेसिस भी कहते हैं। वायरल सिंथेसिस मतलब क्या होता है, वायरल सिंथेसिस होता है कि वो अपनी मशीनरी होस्ट सेल्स होती है उसे शट डाउन कर लेता है नॉर्मल सेलुलर की जगह, ठीक है। और क्या होता है कि वो अपने आप को प्रोड्यूस करने के लिए, अपने एक नया वायरस प्रोड्यूस करने के लिए वो अपने आप को वहाँ पे वायरस सिंथेसाइज करता है। वहाँ अपने जितनी प्रोडक्शन करता है, अपने फूड्स को एकत्रित करता है, खाता है, ठीक है। तो उसमें एक नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म करता है अपने आप को एक नया प्रोड्यूस करने के लिए। फिर क्या आता है, वायरस सिंथेसिस के बाद हमारा आता है असेंबली। असेंबली क्या होता है, असेंबली वो होता है कि जो वायरल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कंप्लीट वायरस एक कंप्लीट वायरस बन चुका है, ठीक है। पूरा कंपोनेंट एक असेंबली ऑफ वायरस वायरल कंपोनेंट्स इन अ कंप्लीट वायरस पार्टिकल ओकरिंग शॉर्टली आफ्टर रेप्लिकेशन। एक शॉर्टली क्या होता है, कंप्लीट एक वायरस पार्टिकल बन चुका होता है। फिर क्या होता है, ऑफ वायरल एन ए एंड मे टेक प्लेस इन आइदर न्यूक्लियस, एक वो दूसरे न्यूक्लियस में अपने प्लेस फॉर्मेंस कर लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है, रिलीज फाइनल इवेंट क्या होता है, अब पूरा वायरस बन चुका, कैसे वायरस अटैच हुआ सेल के पास आया, रिसेप्टर के थ्रू अटैच हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसका पेनिट्रेट हुआ, वो सेल के अंदर घुसा, ठीक है, सेल के अंदर घुसा। फिर उसके बाद अनकोटिंग, उसने अपने आप को फैलाया। फिर क्या हुआ, अनकोटिंग के बाद बायोसिंथेसिस, अपने आप को उसको जो भी फूड वगैरह जो भी चाहिए था उसने आपको अपने मेटाबॉलिज्म जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी अपनी कंप्लीट करी। फिर क्या हुआ, असेंबली हुई। अब मतलब कि अब क्या होगा कि अब असेंबली हो गई, अब निकलने का टाइम आ गया, मतलब कि अब फैलने का पूरे सेल में फैलने का टाइम आ गया। तो क्या कहता है कि फिर वो उसे रिलीज भी होना पड़ता है ना लास्ट में, क्या होता है रिलीज, फाइनल स्टेज क्या होती है रिलीज। एक कोई वायरस न्यू वायरस जो बन चुका है उसको रिलीज कैसे होता है, क्या होता है कि जिनकी होस्ट सेल होती है ना वायरस मैच्योर वायरस की, ठीक है, वो क्या कह जाती है, मैच्यूरेशन कह जाती है, एंड रिलीज कंसिडर एकदम पीरियड ऑफ कोई टाइम आता है। जैसे कि अब आप रिप्रोडक्शन में ही पढ़ सकते हो, रिप्रोडक्शन में जैसे आपको बताया कि रिप्रोडक्शन के ही थ्रू ये टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि जो एक टाइम आता है, पीरियड ऑफ टाइम आता है जब वायरस अपने एक न्यू वायरस को रिलीज करवाता है। इन द केस ऑफ, जैसे लास्ट में क्या बताया गया, इन द केस ऑफ नॉन इनवलप्ड वायरस मे बी रिलीज बाय लाइसिस ऑफ होस्ट सेल और रिलीज बाय प्रोसेस मे कॉल्ड रिवर्स फैगोसाइटोसिस। जो नॉन इनवलप्ड वायरस होते हैं वो नहीं तो लाइसिस ऑफ होस्ट सेल के थ्रू बाहर रिलीज होंगे, या फिर एक प्रोसेस होती है रिवर्स फैगोसाइटोसिस उसके थ्रू रिलीज होंगे। इन द केस ऑफ इनवलप्ड वायरस, इनवलप्ड वायरस में क्या केस होता है, द न्यूक्लियो कैप्सिड रिक्वायर्स द फाइनल इनवलप द न्यूक्लियर और सेल मेम्ब्रेन बडिंग बाय प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो बडिंग प्रोसेस है उसके थ्रू ये क्या करता है, रिलीज होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कल्टीवेशन ऑफ वायरस। वायरस का कल्टीवेशन क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ वायरस ध्यान से पढ़िए, ये कल्टीवेशन वायरस आपको पेपर्स में बहुत सारी बार पूछा भी जाता है, तो पढ़िए। वायरस जो होता है वो एक ऑब्लिगेटेड इंटरसेलुलर पैरासाइट्स होता है।
पहले ही बताया था हमने, इंट्रोडक्शन में ही बताया था आपको कि बायोस जो होता है वो एक इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है। दे टोटली डिपेंड ऑन देयर होस्ट सेल, वो पूरे डिपेंड होता है, वो खुद के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हीं के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। दे कैन रेप्लीकेट ओनली अ लिविंग सेल्स, ये जो भी है ये रेप्लीकेट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, वो एक लिविंग सेल्स के ऊपर ही होते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि जैसे रेप्लीकेशन बताया, वो एक रेप्लीकेशन जो सेल होगी वो एक लिविंग सेल होगी, नॉट ना नॉन लिविंग सेल, एक लिविंग सेल के ऊपर ये रेप्लीकेट करते हैं। कैन नॉट बी ग्रोन इन या एनिमेट और नॉन लिविंग, जैसे वही बताया गया कि नॉन लिविंग सेल के ऊपर ये कल्चर मीडिया में रेप्लीकेट नहीं करते हैं। इनके तीन मेथड होते हैं कल्टिवेशन के, एक होता है एनिमल इनोकुलेशन, नंबर दो होता है टिशू कल्चर, ठीक है, और नंबर टू पे होता है हमारे एम्ब्रियोनिक, ठीक है, ये कि क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक में आ जाते हैं हम, एम्ब्रियोनिक एक्स चिक्स एम्ब्रियो उसके थ्रू ये कल्टीवेट करता है, और नंबर थ्री होता है टिशू कल्चर। तो पहले हम पढ़ते हैं एनिमल इनोकुलेशन। एनिमल इनोकुलेशन में क्या होता है, कैसे वायरस एनिमल जो एनिमल इनोकुलेशन में करता है, अर्लियर वायरस जो पहले के वायरस होते, ठीक है, जो कॉजिंग ह्यूमन डिसीज व इनोकुलेट इनटू ह्यूमन वॉलंटियर्स, ठीक है, जो पहले के वायरस थे वो ह्यूमन डिसीज में करते थे ह्यूमन वॉलंटियर्स में, ड्यू टू मच सिंप्लीफाई मेथड, कुछ सिंप्लीफाई मेथड्स हैं, जैसे सच एज सेल कल्चर, एनिमल इनोकुलेशन इज लेस कॉमनली प्रेफर्ड बाई मोस्ट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, जो मोस्ट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हैं वो प्रेफर करती हैं सेल कल्चर एनिमल इनोकुलेशंस। एनिमल्स लाइक देख कौन कौन से एनिमल्स हो गए जिनमें इनोकुलेट होता है, लाइक हैमस्टर्स, रैबिट्स, गुनियोपिग्स एंड मंकीज आर समटाइम्स यूज इन सर्टेन सिचुएशंस। आफ्टर इनोकुलेशन दीज एनिमल्स आर ऑब्जर्व साइन इन इलनेस और डेथ, मतलब कि जो इनोकुलेशन होती है वायरस की, ठीक है, वो इन एनिमल्स में होती तो है, लेकिन कभी कभी देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है कि इन पर साइन मार के तो ये नहीं, तो ये बीमार हो जाते हैं या फिर इनकी डेथ कॉज हो जाती है इन एनिमल्स में। द वायरस आइडेंटिफाइड बाय माइक्रोस्कोपी, जो वायरस होता है वो आइडेंटिफाई किया गया माइक्रोस्कोपी से, ठीक है, एंड बाय न्यूट्रलाइजेशन, हीमोग्लाइटेशन एंड ह्यूनेशन टेस्ट, HI टेस्ट के थ्रू इनको क्या क्या आइडेंटिफाई किया गया है। अब आता है एम्ब्रियोनिक एग, एम्ब्रियोनिक एग चिक एम्ब्रियो, द एम्ब्रियोनेट हेंस एग वाज द फर्स्ट यूज बाय कल्टीवेशन ऑफ वायरस, जो एक एम्ब्रियोनेट हेन जो मुर्गी थी, मुर्गी के अंडे होते ना उनसे फर्स्ट सबसे पहले यूज किया गया था कल्टीवेशन ऑफ वायरस के लिए, किसने करा था, वुड रफ ने करा था, वुड रफ गोड पास्चर एंड ब्रियोनेट ने किया था 1931 में। द एग यूज फॉर इनोकुलेशन मस्ट बी सर्टिलाइज, द सेल शुड बी इंटैक्ट एंड हेल्दी, क्या हुआ था जब एग यूज़ किया गया था इनोकुलेशंस में के लिए, तो वो भी क्या था, मस्ट सर्टाइल, वो सर्टाइल था एंड शुड बी इंटैक्ट एंड हेल्थी, और अच्छा था और हेल्दी भी था। एग्स आर कैप्ट इन जो एग्स होते हैं उन्हें कैप्ट किया गया था इनक्यूबेटर एंड एम्ब्रियोस में 7 to 12 डेज के लिए, ठीक है। आफ्टर इनोकुलेशंस जो आफ्टर मतलब कि इनोकुलेशंस के बाद में क्या हुआ, जो एग आर इनक्यूबेटेड 2 and 9 डेज एग्जामिन डेयरी फॉर वायरस ग्रोथ, क्या हुआ 2 से 9 दिन के अंदर अंदर एग्जाम किया गया तो वायरस अपना ग्रोथ करने लग गया। इसका रूटीन भी आता है केम का, ठीक है, जैसे कि हमें ये द रूट्स ऑफ इनोकुलेशन कैसे कैसे ये इनोकुलेट करता है, केम प्रोडक्ट हो गया, इनोकुलेट मेनली ग्रोइंग द पॉक्स वायरस में करता है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस में करता है, अटलांटिक कैविटी हो गई, अटलांटिक कैविटी में कौन सा वायरस, इन्फ्लुएंजा हो गया, पैरामक्सी वायरस हो गए, इसमें ये करता है, ठीक है, और जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन का प्रोडक्शन भी इसमें भी होता है, और एनिमोनेटिक कैविटी है ये मेनली इनोकुलेट होता है प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस में, याक सिक हो गया, ये कल्टिवेशन ऑफ सम वायरस वेल एज सम बैक्टीरिया लाइक क्लैमिडाई रिकेट्सी, ठीक है, जिसमें मतलब कि बताया गया, इसमें अलग अलग वायरस में बताया कि कौन कौन से वायरस कैसे कैसे किस रूट्स में इनोकुलेट करते हैं। थर्ड में क्या है, टिशू, ठीक है, टिशू कल्चर, द एप्लीकेशन ऑफ टिशू कल्चर इज बायोलॉजी वॉज फर्स्ट डिटरमाइंड बाई स्टेनोहार्ट एट 1913, जो क्या था, जो टिशू कल्चर बायोलॉजी इन बायोलॉजी में है वो सबसे पहले डेमोस्ट्रेट की थी एक साइंटिस्ट है स्टेनोहार्ट, उन्होंने 1931 में डेमोस्ट्रेट किया था, जिन्होंने मेंटेन की थी वैक्सीन वायरस इन फ्रेगमेंट्स ऑफ रेविट कोनिया, मतलब कि रेविट की आँख से, रेविट में कोनिया होती है उसके फ्रेगमेंट करने से उन्होंने एक वैक्सीन मेंशन की थी। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ टिशू कल्चर्स, इनके तीन टिशू कल्चर्स होते हैं, एक ऑर्गन कल्चर, एक एक्सप्लांट कल्चर, तीसरा होता है सेल कल्चर। ऑर्गन कल्चर क्या है, सम स्मॉल बिट्स ऑफ ऑर्गन्स कैन बी मेंटेन इन विट्रो फॉर 2 days to weeks, क्या था, जो स्मॉल बिट्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, छोटे छोटे जो बिट्स होते हैं ना, ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें मेंटेन किया गया एक विट्रो मतलब कि कल्चर में कुछ दिनों के लिए या कुछ सप्ताहों के लिए, फिर क्या गया, प्रिजर्विंग द ओरिजिनल मॉर्फोलॉजी एंड साइकोलॉजी, उनकी प्रिजर्व किया गया उनकी मॉर्फोलॉजी और साइकोलॉजी,
ठीक है। फिर क्या, फार्मलिन इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन, जो फार्मलिन थे उन्होंने यूज किया था प्रिजर्वेशन। टेकिया रिंग ऑर्गन कल्चर यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ कोनिया ऑफ कोनो वायरस विच इज रेस्पिरेटरी पैथोजन, जो कोनो वायरस था वो एक रेस्पिरेटरी पैथोजन था जिसे आइसोलेट किया गया था टेकिया रिंग के ऊपर। एक्सप्लांट कल्चर में क्या है, फ्रेगमेंट्स ऑफ माइसन टिश्यू कैन बी ग्रोन एक्स एक्सप्लांटेड एम्बेडेड इन प्लाज्मा क्लोथ्स, ठीक है। दे मे बी कल्टिवेट इन सस्पेंशन, एग्जाम्पल एडिनाइड टिश्यू एक्सप्लांट कल्चर यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ एडिनोवायरस। सबसे मेन होता है सेल कल्चर। सेल कल्चर में क्या है, दिस इज द मेथड ऑफ रूटीनली एम्प्लॉयड नाउअडेज, मतलब कि अब जो आज के दिन है उनका आइडेंटिफाइड और कल्टिवेशन ऑफ वायरस के लिए सेल कल्चर का ही उपयोग किया जाता है। सेल कल्चर ही मेथड रूटीनली एम्प्लॉयड किया जाता है। सेल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एनिमल्स में भी कल्टिवेट, सेल बहुत सारी होती हैं एनिमल्स में भी कल्टिवेट जो होती रहती हैं और टिश्यू में कल्टिवेट होती रहती हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक कवर हो गया, हमारा पूरा वायरस चैप्टर खत्म हो चुका है। आगे का चैप्टर हमारा डिस्टिनाइफिकेशंस होगा। आप इस लेक्चर्स में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं।